आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। उत्तर प्रदेश में दलितों को बड़ा उद्यमी बनाने के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना लागू कर दी गई है। यह योजना दलित उद्यमिता के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाएगी। अब हमने दलितों को मिलने वाले जो सहायता राशि है, अनुदान राशि जो 10,000 रुपये थी, उसको बढ़ा करके हमने 50,000 रुपये कर दिया है। और हमारी जो पात्रता सीमा थी, जिसमें 46,000 रुपये वार्षिक आय सीमा थी और शहरी क्षेत्रों के लिए 56,000 रुपये वार्षिक आय सीमा थी, उसमें भी हमने बढ़ोतरी करते हुए अनुसूचित जातियों को रोजगार से जोड़ने के लिए पात्रता में हमने उन्हें आय सीमा से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। और जिनकी वार्षिक आमदनी 2.5 लाख रुपये से कम है, उनको हम वरीयता देंगे। हमारी जो योजनाएं हैं वह बड़ी अभिनव योजनाएं हैं। अब हम क्लस्टर के रूप में काम करेंगे और बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे और परियोजनाओं के लिए व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर जिले में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट बनाई जा रही है, जो कि परियोजनाओं पर निगरानी रखेगी। और सबसे बड़ी उपलब्धि इस योजना की यह है कि हमारे लाभार्थियों द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा, उसके लिए सरकार मार्केट की भी व्यवस्था करेगी। और परियोजना स्थापित करने के लिए जो हमारे दलित बाहुल्य गांव हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम प्रमुख है, ऐसे इलाकों में जो परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, उसके लिए सरकार जमीन भी उपलब्ध कराने जा रही है। तो इस प्रकार से इस देश में अब तक जितनी भी अनुसूचित जातियों के लिए योजनाएं चल रही थी, उनमें सबसे अप्रतिम योजना प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के रूप में लागू हुई है। इसके अतिरिक्त हमारा जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना चल रही है, उसमें हम दलित बाहुल्य गांवों को आदर्श ग्राम घोषित कर रहे हैं। जनपद भदोही में भी 70 आदर्श ग्राम चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 12 आदर्श ग्राम घोषित हो चुके हैं। और जो आदर्श ग्राम घोषित हो रहे हैं, उसमें जो अच्छे आदर्श ग्राम होंगे, एक जो मानक को पूरा करेंगे, वहाँ पे हम डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम की स्थापना करेंगे। और उत्सव धाम के तहत हम वहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल, एक भव्य कम्युनिटी हॉल की स्थापना करेंगे वहाँ के ग्रामवासियों के उपयोग के लिए। इस प्रकार हमारी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना दलितों के रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव, एक क्रांति लेकर के आएगी। और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की स्वच्छ भारत मिशन ने इस देश से हाथ से मैला उठाने की प्रथा पर पूर्ण विराम लगा दिया, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो दलितों की सैकड़ों सालों की त्रासदी है, वो दूर कर देगी और दलित बड़े उद्यमी बनेंगे। योजनाओं में क्या क्या शामिल रहेगा? देखिए, योजनाओं में हमारे प्रोजेक्ट हैं, कृषि क्षेत्र के हैं, परिवहन क्षेत्र के हैं, उद्योग क्षेत्र के हैं। तो इन परियोजनाओं का जो सिलेक्शन होगा, प्रोजेक्ट देने के बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वो इन परियोजनाओं का परीक्षण करेगी, वो पास करेगी। इसके बाद प्रदेश स्तर पे कमेटी बनी है, प्रमुख सचिव समाज कल्याण की अध्यक्षता में वह उसको एग्जामिन करेगी। इसके बाद भारत सरकार में ये परियोजनाएँ पास की जाएंगी और उसके बाद इन परियोजनाओं पे काम शुरू होगा। हमने जैसा बताया, हमारी PIU गठित है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट हर जिले में गठित हो रही है, वो मदद करेगी और इसके बाद वो प्रोजेक्ट स्थापित होगा। आदर्श ग्राम योजना में हम सड़कों का निर्माण करते हैं,
जो संपर्क मार्ग हैं, सड़कों का निर्माण करते हैं, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करते हैं, कचरा निस्तारण की व्यवस्था करते हैं, हम आंगनबाड़ी की स्थापना करते हैं, और भी जो सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं जिन योजनाओं से सरकार लाभान्वित कर रही है, हम उनको भी संतृप्त करते हैं। और इसमें प्रयास ये होता है कि वह ग्राम पूरी तरह से आदर्श ग्राम हो और एक विकसित गांव के रूप में। हमारे जो हमने हर सब्जेक्ट पे अंक दिए हुए हैं और जो 70 अंक जो प्राप्त कर लेते हैं तो उनको हम आदर्श ग्राम घोषित करते हैं, और जो 83 अंक प्राप्त करते हैं उनको हम डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम के रूप में चिन्हित करेंगे। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।